पाकिस्तान ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जो अक्टूबर में इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान इस साल SCO CHG की अध्यक्षता कर रहा है और ये बैठक 15-16 अक्टूबर को होनी है। ये SCO की दूसरी सबसे उच्च स्तरीय बैठक होती है, जिसमें आमतौर पर सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री शामिल होते हैं। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ये संगठन मुख्यतः एशिया देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसके सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में SCO के मंच का उपयोग अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए किया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि SCO का भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता। SCO का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, जिसमें आतंकवाद और चरमपंथ पर अंकुश लगाना शामिल है। भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देश को आतंकवाद और सीमा पार से होने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। SCO के माध्यम से भारत इन मुद्दों पर अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग कर सकता है। नंबर 2, आर्थिक सहयोग और व्यापार। SCO के सदस्य देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। भारत के लिए मध्य एशिया, चीन और रूस जैसे प्रमुख बाजारों तक पहुंचने के नए अवसर मिल सकते हैं, जो व्यापार और निवेश के लिए फायदेमंद हैं। नंबर 3, ऊर्जा सुरक्षा। मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन है। भारत के लिए SCO एक ऐसा मंच है जहां ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, रूस और चीन के साथ रिश्ते। SCO में भारत को रूस और चीन के साथ सामरिक और आर्थिक रिश्ते बनाने का अवसर मिलता है। भारत और चीन के बीच की जटिलताओं के बावजूद SCO में सहयोग दोनों देशों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा दे सकता है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थिति। SCO जैसे बहुपरोपकारी मंच पर भारत की उपस्थिति और सक्रियता उसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है। ये भारत को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करता है। नंबर 6, सांस्कृतिक और मानवतावादी सहयोग। SCO के माध्यम से सांस्कृतिक और मानवतावादी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलता है। ये सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान को बढ़ावा देने में सहायक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको SCO और भारत के संदर्भ में यह खबर बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।